डियर स्टूडेंट, क्लास अलेवेंथ का जो क्लास है, हमने फर्स्ट वीडियो में क्लास अलेवेंथ में टोटल कितने सेक्टर्स पढ़ने हैं, फोर सेक्टर का हमने नाम लिखा दिया था। मैकेनिक्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वेव मोशन एंड साउंड। उसके बाद से मैकेनिक्स में टोटल 11 टॉपिक्स के हम लोग को स्टडी करनी है, यूनिडायमेंशन से लेकर के ग्रेविटेशन टॉपिक तक कंप्लीट हम लोग को स्टडी करनी है। ये भी हमने सारे टॉपिक्स का नाम एक तरह से नोट करा दिया था। आप सब लोग एक कॉपी बना लिए होंगे, एक बढ़िया नोट्स बनाए होंगे जिसमें कि सारे सेक्टर्स का नाम लिख लिए होंगे, सभी टॉपिक्स का नाम मैकेनिक्स का लिख लिए होंगे। अब इस वीडियो लेक्चर में हम मैकेनिक्स के फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। हमने मैकेनिक्स के फर्स्ट टॉपिक का नाम देखो ये लिखवाया भी था, यूनिट्स, डायमेंशंस, परसेंटेज एरर एंड मेजरमेंट। यानी इस टॉपिक में हम लोगों को यूनिट के बारे में पढ़ना है, हर बात बताएंगे यूनिट के बारे में, सब लिखाएंगे भी एक तरफ से सिक्वेंस से। फिर डायमेंशन, डायमेंशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खूब अच्छे अच्छे डायमेंशन सॉल्व कराएंगे, ऐसे ऐसे डायमेंशन जो डायरेक्ट आप लोग के स्कूल के एग्जाम में आता है। तो स्कूल के एग्जाम वाले क्वेश्चन तो ऐसे चुटकी बजा बजा आप लोग सॉल्व करेंगे, और कंपटीशन लेवल तक के सब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिससे कि हर वैरायटी का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो। और असाइनमेंट में खूब ढेर सारे क्वेश्चन भी दिए गए हैं डायमेंशन के, उससे भी हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। पीडीएफ फाइल में आपको असाइनमेंट मिलेगा और उससे भी आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। और हमने बताया था कि असाइनमेंट में एनसीईआरटी है, फिर फर्स्ट लेवल है, फिर सेकंड लेवल है, तीन तीन लेवल असाइनमेंट में मिलेंगे, कंप्लीट स्टडी एकदम। और इस टाइप का नोट्स जो भी हम नोट्स देंगे एकदम सीक्वेंस से पढ़ते जाइए, एकदम तैयार होता चला जाएगा। और इस टाइप का जो नोट्स होगा, चाहे जो भी टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा है, सब लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जो हम दे रहे हैं नोट्स, इस टाइप का नोट्स कहीं आपको नहीं मिलने वाला है, अनमोल है एकदम। इसका आप लोग फायदा उठाइए ऑनलाइन इसको पढ़ करके, ऐप के द्वारा इसको पढ़ करके, के घर बैठे आपको पढ़ना है। जहां ना समझ में आवे वहां वीडियो को पॉज कर लेना है, वीडियो को रोक करके, और फिर उसको दोबारा आपको सुन लेना है, तीन बार सुन लेना है, जिससे कि और वो समझ में आ जाए। जहां स्पीड ज्यादा महसूस हो वहां वीडियो को रोक करके और उसके बाद से उसको नोट कर लेना है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, हर प्रकार से सहूलियत है। जिस तरह से आप लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं एकदम वही महसूस यहाँ ऑनलाइन में होगा। यहाँ तो और आपको सुविधा है, हर तरीके से सुविधा आपको है, जब चाहिए तब वीडियो को रोक करके जो भी नोट करना है उसको नोट कीजिए, जो बात नहीं समझ में आ रहा है उसको बैक करके फिर से सुन करके नोट कर लीजिए, ठीक है। तो एकदम एक एक लाइन कंप्लीट तैयार होता चला जाएगा, एकदम सिक्वेंस से नोट्स मिलेगा, हाई क्वालिटी का नोट्स मिलेगा। तो इसमें यूनिट पढ़ेंगे, डायमेंशन पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर के ढेर सारे स्पेशल केसेस बताएंगे, और उसके बाद से मेजरमेंट पढ़ेंगे, मेजरमेंट में किस तरह से मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स के भी कॉन्सेप्ट आते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए एग्जाम में आता है, तो ये सब कंप्लीट हम लोग को स्टडी करना है। ये फाउंडेशन क्लास है, और फाउंडेशन क्लास में क्लास अलेवेंथ का कोर्स को आगे बढ़ाते हुए और कंपटीशन लेवल तक का कॉन्सेप्ट कंप्लीट दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग यूनिट में आएंगे, तो यूनिट में फर्स्ट टॉपिक में आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का क्या कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल यूनिट क्या है, अभी हम समझा दे रहे हैं, एक तरह से लिखा दे रहे हैं, अभी तुरंत तैयार हो जाएगा, अलग से कुछ याद भी नहीं करना पड़ेगा, बस उसको बढ़िया सा आप नोट्स बनाइए, जिससे कि एक बढ़िया नोट्स बनता जाए, और उसको जब चाहें तब उसको रिवाइज करके और उसको हमेशा तैयार रखें। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिक्स में 7 टाइप्स के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज चूज किए गए हैं, बनाए गए हैं, रखे गए हैं, और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज उसे कहते हैं जो कि किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं फिजिक्स में वो हैं मास, लेंथ, टाइम, ध्यान से सुनो सब लोग, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करेंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज फिजिक्स में रखे गए हैं। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होते, बल्कि इन पर बाकी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड होते हैं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहे जाते हैं।
तो क्या लिखेंगे डिफिनेशन इसका, सच फिजिकल क्वांटिटीज विच आर नॉट डिपेंड अपॉन अदर एनी फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो एग्जांपल है वो है मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और इनके जो यूनिट होते हैं उनको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। तो अब एक तरह से हम सब इसको लिखा रहे हैं, जब हम लोग यूनिट पढ़ लेंगे तब जाके क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा थ्योरी चलेगा लेकिन हर लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, 11th लेवल से लेकर के एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन, उसके बाद से पीएमटी लेवल के क्वेश्चन और आईआईटी लेवल के क्वेश्चन। फाउंडेशन क्लास है ये, जिसमें क्लास 11th का भी पढ़ना पड़ता है और कंपटीशन लेवल तक की तैयारी साथ ही में करनी पड़ती है। बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा सारे कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने में। इसलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखने वाले हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट ही फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट इसलिए लिखा जाता है जिससे कि ये पता चले कि किस फिजिकल क्वांटिटी का हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे हम कहें कि एक बॉडी पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, या कहीं लिखा हो 5 केवल लिखा हो तो 5 बस एक डिजिट हो गया, लेकिन लिखा हो 5 न्यूटन लिखा हो तो इससे पता चल जा रहा है कि जो 5 न्यूटन है ये फोर्स है। कहीं लिखा हो 5 किलोग्राम तो पता चल जा रहा है, किलोग्राम से पता चल जा रहा है कि ये मास की हम बात कर रहे हैं। 5 सेकंड की बात कर रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि हम टाइम की बात कर रहे हैं। इसका मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट इसलिए लिखा जाता है जिससे पता चल जाए कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? लेकिन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होते। सच फिजिकल क्वांटिटीज विच आर नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और इसका डेफिनेशन लिख लें, सच फिजिकल क्वांटिटीज विच आर नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी आर नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, डिफिनेशन लिख लिया सब लोग। अब इसका एग्जांपल हम लोग लिख लें। डिफिनेशन जो हमने बोला वही देखो, डिफिनेशन यहां पर बन गया। सच फिजिकल क्वांटिटीज
which are not depend upon any other physical quantities are known as fundamental physical quantity. तो जो physical quantity इस पर depend होते हैं fundamental पर, उनको derived physical quantity कहा जाता है. तो दो प्रकार के physical quantity होते हैं, एक fundamental होते हैं और एक क्या होते हैं, derived होते हैं. Fundamental का example अभी हमने बताया है, हम लिखाने जा रहे हैं. इसके बाद से जो derived होगा, तो जो derived physical quantity होते हैं वो fundamental quantity पर depend होते हैं. और derived physical quantity के example है velocity, acceleration, force, energy, इंपल्स, मोमेंटम, टार्क, ये सब का सब क्या है, वर्क डन. ये सब का सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड होते हैं. तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होते हैं वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, और जो डिपेंड नहीं होते हैं वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं. एग्जाम्पल लिख लें, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल, दैट इज फर्स्ट मास, सेकेंड लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं. ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑप्टिक्स में आता है, फोटोमेट्री टॉपिक में ल्यूमिनस इंटेंसिटी का नाम लिया जाता है, जिसका यूनिट होता है कैंडिला. तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल. तो ये जो यूनिट हैं ये फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं. क्यों फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं. तो यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स. क्लियर? तो आओ, ये तो हमने लिख दिया फंडामेंटल क्वांटिटीज, अब इनका हम लोग यूनिट लिख लें. फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो यूनिट होगा डियर, वही फंडामेंटल यूनिट भी कहलाएगा. तो मास का फंडामेंटल यूनिट किलोग्राम, लेंथ का फंडामेंटल यूनिट मीटर, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का डियर एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हमने बताया ना अभी कैंडिला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज है मोल. ठीक है, ये इसके फंडामेंटल यूनिट्स हो गए. लेकिन अब थोड़ा ध्यान दो सब लोग, अब कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, जिसको हम लोगों को आगे इसी को विशेष रूप से पढ़ना है. इन फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशन लिखना है तो उसको इस तरह से कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं. किसी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशन लिखना है तो इस तरह अगर कैपिटल ब्रैकेट में लिख दिए तो समझ जाओ कि उसका हम लोग डायमेंशन लिखने जा रहे हैं. अब सोचो कि डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन अभी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि डायमेंशन का डिफिनेशन क्या होता है, क्यों किसी फिजिकल क्वांटिटी
डायमेंशन लिखा जाता है। अब जैसे वेलास्टिक का डायमेंशन लिखना है तो वी लिख करके ये ब्रैकेट लगा दो, मतलब हम डायमेंशन इसका लिख रहे हैं। ए लिख करके ये ब्रैकेट लगा दो तो हम इसका डायमेंशन लिख रहे हैं। फोर्स लिख करके ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो, मतलब इसका हम डायमेंशन लिख रहे हैं। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन जब लिखा जाता है तो कैपिटल ब्रैकेट अप्लाई कर देने से ये पता चलता है कि हम उसका डायमेंशन लिखने जा रहे हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डियर डायमेंशन इसलिए लिखा जाता है जिससे कि वह पता चले कि वह फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पर किस तरह से डिपेंड है। ध्यान दो सब लोग, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होता क्या है? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इंडिकेट दैट फिजिकल क्वांटिटी हाउ डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पर किस तरह से डिपेंड है इसको पता करने के लिए किसी फिजिकल क्वांटिटी का डियर डायमेंशन लिखा जाता है। तो जो डिपेंड होगा, जिसका हम डायमेंशन लिखेंगे, वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होंगे जो फंडामेंटल पे क्या होंगे, डिपेंड होंगे। तो मास का डियर जो डायमेंशन होता है वो देखो इस तरह से एम लिखा जाता है। एम इज द डायमेंशन ऑफ मास। और लेंथ का डायमेंशन को कैपिटल एल से इंडिकेट करते हैं। ये बेसिक यही डायमेंशन है सर, सबका सब यही फंडामेंटल डायमेंशन है। अदर फिजिकल क्वांटिटी इन्हीं पर डिपेंड होगा और जो इस पर डिपेंड होगा वो क्या कहलाएगा, वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। और जब उसका हम लोग डायमेंशन लिखेंगे तो वह इंडिकेट करेगा कि वह डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटी पर वह फिजिकल क्वांटिटी किस तरह से डिपेंड है। टाइम का डायमेंशन टी होता है। देखो लेंथ है तो एल है, मास है तो इसका डायमेंशन एम है, टाइम है तो इसका डायमेंशन टी है। एम्पियर के डायमेंशन को ए से इंडिकेट करते हैं या कैपिटल आई से भी इंडिकेट करते हैं। टेम्परेचर के डायमेंशन को थीटा से या के से भी इंडिकेट करते हैं, कहीं कहीं के भी लिख देता है या तो जनरली थीटा ही लिखता है। और कैंडिला के डायमेंशन को सी डी से इंडिकेट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल के डायमेंशन को स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। तो ये बेसिक डायमेंशन जो लोग क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, अभी जस्ट हाई स्कूल पास करके 11th में आए हैं, उन लोगों को ये सब तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा और थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये खुद ही याद हो जाता है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इंडिकेट दैट फिजिकल क्वांटिटी हाउ डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हमेशा इसी पर बेस्ड होता है, इसलिए उन फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। तो ये हो गए फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनके ये क्या हो गए बताओ, फंडामेंटल यूनिट्स, और इनका ये क्या हो गया, डायमेंशन। तो ये हम लोग लिख लेंगे, ये हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और उनके ये क्या हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। और यह है इनके डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। नेक्स्ट हेडिंग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज,
एंड डिराइव्ड यूनिट्स तो क्या होगा इसका डेफिनेशन, सच फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिपेंड विच कैन डिराइव्ड बाई फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स। जो डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट होते हैं उनको डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या क्या है, उन्हें बताया ना, वेलासिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, फोर्स, वर्क डन, पावर, इम्पल्स, मोमेंटम, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं फंडामेंटल को छोड़ करके वो सब के सब डिराइव्ड हैं। और वो सब के सब किस पर डिपेंड हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डियर डिपेंड हैं। सच फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिपेंड अपॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट देखो इसका एग्जाम्पल कितना आसान, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो यूनिट होता है सबको पता है मीटर पर सेकेंड, इसलिए तुम देख रहे हो कि जो वेलोसिटी है इसमें मीटर यानी लेंथ भी है, फंडामेंटल यूनिट मीटर भी है और सेकेंड भी है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड है, इसलिए क्या हो गया, डिराइव्ड हो गया। अब इसका अगर डायमेंशन लिखना है तो देख रहे हो इसको बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे, तो समझ रहे हो इसको हम डायमेंशन लिख रहे हैं। और जो डायमेंशन लिखना होगा तो मीटर यानी लेंथ का डायमेंशन एल अपान सेकेंड यानी टाइम, तो मिलकर के आ गया एल टी माइनस वन, और इस तरह से लिख देंगे तो देखो वेलोसिटी का आ गया डायमेंशन एल टी माइनस वन इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी लेंथ पे भी डिपेंड है और टाइम पर भी डिपेंड है, मतलब ये पता चल रहा है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड है, इसलिए क्या हो गया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। इसलिए यूनिट से ही इसका डायमेंशन आ गया एल टी माइनस वन। अब समझ में आया डायमेंशन का मतलब क्या होता है, मतलब डायमेंशन ये इंडिकेट करता है कि वह फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पर किस तरह से डिपेंड है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इंडिकेट दैट फिजिकल क्वांटिटी हाउ डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी। इसके बाद से बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन को ए से इंडिकेट करते हैं। इसका डायमेंशन लिखना हो तो क्या लिख देंगे बताओ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो इसका हो गया एल, और इसका हो गया टी पावर टू न्यूमरेटर में आएगा तो एल टी माइनस टू इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्स की, बात करते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू
एक्सेलरेशन, तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स, और इसी को न्यूटन भी कहा जाता है। तो या तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहो और या तो न्यूटन कहो, लेकिन न्यूटन से इसका डायमेंशन नहीं मिलेगा, इसलिए इसको हम लिख रहे हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन से। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका फोर्स का यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स को एब्सेंट करेंगे तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो हम लोग डायमेंशन लिख रहे हैं, तो तुम देख रहे हो कि इसमें अलग अलग देखा जाए तो सबका सब फंडामेंटल क्वांटिटी ही इसमें है। तो डायमेंशन लिखने से ये पता चलता है कि वह फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पर किस तरह से डिपेंड है। अब मान लो अगर फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं है तो वह फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहलाता है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, मतलब वो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होता। इसके भी सब एग्जांपल बताएंगे, पूरा डायमेंशन एक एक लाइन कंप्लीट बताएंगे। अब एकदम बेसिक बात बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये सब आगे हर जगह यूज है, वेलासिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, वर्क डन, पावर, फोर्स, हर स्टेप पर इसके डायमेंशन यूज हैं, इसलिए हमने अभी बेसिक बात यहां पर हम बतला रहे हैं। इसके बाद से हम बात करते हैं वर्क की। अच्छा, वर्क और एनर्जी इन दोनों का डायमेंशन सेम होता है, क्योंकि वर्क का यूनिट जो होता है वो जूल और एनर्जी का भी यूनिट जूल, इसलिए जो डायमेंशन वर्क का होगा वही डायमेंशन एनर्जी का होगा। तो वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशन सेम होता है, क्योंकि दोनों का यूनिट जूल होता है। अब हम लोग बात करें अगर वर्क डन की, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो मीटर इनटू मीटर मिलके कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। अब इसका अगर डायमेंशन लिखना है तो किलोग्राम का कितना हो गया एम, एम स्क्वायर एंड लेंथ का स्क्वायर का एल टू अपॉन टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर न्यूमरेटर में आएगा तो टी पावर क्या हो जाएगा, माइनस टू। तो वर्क डन का डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू, और यही डायमेंशन किसका होता है, एनर्जी का। तो वर्क डन और एनर्जी दोनों का डायमेंशन सेम होता है, और कितना होता है तो एम एल टू टी माइनस टू, और यही डायमेंशन एनर्जी का भी होता है। तो फोर्स में ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो वर्क डन को W से इंडिकेट करेंगे, अगर इसका डायमेंशन लिखना हो तो यूनिट से ही देखो डायमेंशन हम लिख सकते हैं, किलोग्राम यानी L, मीटर स्क्वायर यानी L2, और पर सेकंड स्क्वायर मतलब टी पावर माइनस टू, एम एल टू टी पावर माइनस टू, ये डायमेंशन हो गया किसका, वर्क डन का, वर्क का डायमेंशन हो गया। इसके बाद से बात करते हैं एनर्जी का, तो जो वर्क डन वही एनर्जी, दोनों का यूनिट जूल ही होता है। तो डियर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एनर्जी को ई से इंडिकेट करेंगे तो इसका भी डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू हो गया। क्लियर, तो ये एग्जांपल्स हो गए। अभी ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे इम्पल्स है, मोमेंटम है, टार्क है, ये सब के सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, वो आगे यूज होते जाएंगे, उसे से डायमेंशन हम लोग उसका पढ़ते रहेंगे। लेकिन एकदम बेसिक बात है, ये सब एकदम जबान पर रहना चाहिए, एकदम डायरेक्ट याद रहना चाहिए, ये सब याद नहीं किए जाते हैं, ये खुद ही अपने आप याद
हो जाते हैं जब आगे हम लोग चल के पढ़ेंगे, क्योंकि डायमेंशन तो बहुत ही विस्तृत पढ़ना है। डायमेंशन का क्लास 11 से लेकर के और कंपटीशन लेवल तक के खूब ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं। डायमेंशन में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के क्वेश्चन, इक्वेशन वाले क्वेश्चन।